हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ज्यामिति के बारे में बात किया था और उनमें देखे थे बिंदु, रेखा और समतल के बारे में अच्छी तरह से देख लिया था, और साथ ही साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज थे, जो गुण थे, उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति में और आगे की जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट सब हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और समझेंगे। तो जो चैनल में नए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री से संबंधित और जो पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले है प्रतिच्छेद रेखाएं, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यह क्या होता है इसको देखते हैं। तो यह है कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं, जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, एक तल की दो भिन्न रेखाएं होनी चाहिए जिनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो वे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और उभयनिष्ठ बिंदु को उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींच दिए और दूसरी रेखा को इस प्रकार से खींच दिए, और इसका हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी और इसका पी क्यू। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो जो बिंदु है वह इस रेखा में भी उपस्थित है और पी क्यू रेखा में भी यह बिंदु उपस्थित है, और ये दोनों रेखाएं आपस में इसी बिंदु पर काट रही हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, यानी ए बी रेखा और पी क्यू रेखा, ये लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। और ये जो पॉइंट है, इसको अगर हम लोगों ने एम मान लिया है, तो ये जो एम होगा, ये पॉइंट एम मतलब बिंदु एम, यह हो जाएगा हम लोगों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कि दो रेखाएं होनी चाहिए और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, और वह जो उभयनिष्ठ बिंदु होगी वह उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी कहलाएगी। तो यह थी प्रतिच्छेद रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है समांतर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी समांतर रेखाएं। तो इसके बारे में समझते हैं। तो यह है दोस्तों कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे कितनी भी दूरी तक बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, यह है परिभाषा, और इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं होनी चाहिए और वे आपस में समांतर तब कहलाएंगी जब उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे कितनी भी दूरी तक बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। जैसे कि ये एक लाइन हो गया ए बी, और ये भी एक लाइन हो गया पी और क्यू। और दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि रेखाएं जो हैं वह अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब इधर से भी ये बढ़ सकती है और इधर से भी ये बढ़ सकती है, और पी क्यू में भी देखेंगे तो इसमें भी यहाँ से इधर बढ़ सकती है और यहाँ से इधर बढ़ सकती है, तो ये अनंत दूरी तक जाती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इन दोनों रेखाओं में देख रहे हैं कि इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ है नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, और उसको हम लोग कितने भी दूर तक आगे बढ़ाते हैं, जितने भी दूर तक आगे बढ़ाते हैं, तो हमें एक भी जगह पर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलती हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वह हो जाएंगी समांतर रेखाएं। और दोस्तों, अगर हम लोग इसको स्मॉल लेटर में एल नाम दे देते हैं ए बी वाले रेखा को, और इसको अगर नाम देते हैं एम, तो इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल समांतर एम। तो इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं कि एल समांतर हो गया एम के। तो ऐसे समझते हैं कि समांतर रेखाएं जो होंगी वे दो भिन्न रेखाएं होंगी और उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है रेखाखंड, जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति रेखाखंड होती है। तो दोस्तों दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति रेखाखंड होती है। दो बिंदु मान लेते हैं, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम है पी बिंदु, इस बिंदु का नाम है क्यू। अब इनको हम लोग आपस में मिला देते हैं, इस प्रकार से आपस में मिला दिए तो यह जो हमें ज्यामितीय आकृति प्राप्त हो गई तो यही है रेखाखंड। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कह रहा है कि इसके जो दो अंत बिंदु होंगे, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो दोस्तों यहाँ और यहाँ ये एकदम इंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से अंत हो गया। यहाँ से ना तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से ये भी ना इधर आगे बढ़ सकता है। तो पी और क्यू जो पॉइंट है वो दोनों इंड पॉइंट है, और साथ ही साथ में पी क्यू को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो आकृति प्राप्त हो रही है वह रेखाखंड होती है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो मेन चीज है वह है कि प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से P और Q है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी हमें दिख रही है, तो यह है कि प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तो यह भी इसका मेन प्रॉपर्टीज है कि जो भी रेखाखंड होगा उसकी एक निश्चित लंबाई होगी। जैसे कि P और यहाँ पे Q है तो इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होगी तो वह उसकी निश्चित दूरी होगी, और इसमें दो अंत बिंदु होंगे जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें है किरण, जिसे रे कहते हैं इंग्लिश में। तो किरण, तो किरण क्या है इसको भी समझते हैं। तो किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति को किरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने का बात कर रहा है। तो रेखाखंड अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसी प्रकार से एक रेखाखंड बनाते हैं। इसको भी P और Q बिंदु मान लिए हैं, अब हम लोगों ने इसको रेखाखंड बना दिया। अभी हम लोगों को ये रेखाखंड मिला है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से इस प्रकार से एरो का निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस एरो से इधर ये आगे बढ़ सकता है, इधर से ये आगे हम लोग इसको ले जा सकते हैं। और इसमें यह भी कह रहा है कि इसका एक अंत बिंदु होता है। दोस्तों इसमें एक अंत बिंदु होता है, मतलब यहाँ पर यह फिक्स है, इसके आगे इधर नहीं बढ़ेगा, ये एकदम फिक्स हो चुका है, लेकिन इस पॉइंट से यह आगे बढ़ेगा। तो इसका कारण यह है कि इसका एक अंत बिंदु होता है और यह एक दिशा में आगे तक बढ़ सकता है जितने भी दूर तक ले जाएंगे, लेकिन यह दूसरी ओर एक फिक्स बिंदु तक ही रहेगी। तो यह हो जाएगा हम लोगों का किरण, इसमें एक अंत बिंदु होता है। इसके बारे में भी जो पॉइंट है उसको भी देखते हैं कि प्रत्येक किरण अनिश्चित लंबाई की होती है। तो दोस्तों यहां से इसको अगर इस पॉइंट से अगर बढ़ाते हैं तो ये अनंत तक जाती है। तो इस कारण से यहाँ पे कह रहा है कि यह प्रत्येक किरण, हर कोई एक किरण अनिश्चित लंबाई की होती है। तो इस प्रकार से यह आगे बढ़ती है। तो दोस्तों हम लोगों ने किरण, रेखाखंड, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। आगे भी हम लोग और जो जुड़ी जानकारी होगी कोण के बारे में, उसके जो कितने टाइप्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें, और जितने भी बताया गया उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रखें। इन सबों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।